निगम प्रबंधन के और निगम के कर्मचारियों जितने भी कर्मचारी हैं उनके कानों में चू तक नहीं रही। नोटिस लिस्ट में इन्होंने भारी कोई वो किया हुआ है, कोई घपला है, उस घपले की वजह से सीनियोरिटी को अपडेट नहीं किया जा रहा है। वो चाहे कोई भी कड़ा निर्णय ले, इवन देन अगर HRTC को बंद करने का भी निर्णय लेना पड़े तो हम उससे भी करेंगे। आज हमने निगम प्रबंधन को नोटिस दिया है भ्रष्टता सूची के बारे में। ड्राइवरों की भ्रष्टता सूची जो है उसका नवीनीकरण 2017-18 से लेकर आज तक नहीं किया गया है। जो 2017-18 में ड्राइवरों की भ्रष्टता सूची थी वो वैसे की वैसी रखी गई है। हमने बार बार निगम प्रबंधन से, निगम में जितने भी डीएम एडमिन लगे उनके पास जाकर गुहार लगाई। 2017-18 से लेकर रेगुलर हमने बार बार निगम प्रबंधन को चिताया कि ड्राइवरों की भ्रष्टता सूची जो है उसको तैयार किया जाए, उसको नए सिरे से इसको नवीनीकरण किया जाए, लेकिन आज तक निगम प्रबंधन के और निगम के कर्मचारियों जितने भी कर्मचारी हैं उनके कानों में चू तक नहीं रहेगी। जब सिर से पानी ऊपर निकल गया, हमारे ड्राइवर भारी रोष में है, क्योंकि ड्राइवर को आज की डेट में ये पता नहीं है कि मेरा सीनियोरिटी में लिस्ट कितना, सीनियोरिटी लिस्ट में नंबर कितना है या मैं कब प्रमोट होऊंगा। तो मेरे को तो लगता है कि भारी जो इसमें सीनियोरिटी लिस्ट में इन्होंने भारी कोई वो किया हुआ है, कोई घपला है, उस घपले की वजह से सीनियोरिटी को अपडेट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हमारा ड्राइवर 1995 में जहां लगता है वहीं का वहीं है। उसने डिपो चार जो है वो चार डिपो में जाकर आ गया, लेकिन वो उसी डिपो में शो कर रहा है। आज की डेट में मैं आपको बात बता दूं कि यहां ऐसा भी हुआ कि जो आदमी 3 महीने रिटायर हुए हो गए उसको भी प्रमोट कर दिया गया। जब हम इनके पास गए तो आनंद फानंद में उसको काट के फिर अब नया बना देंगे। फिर जो जिसकी जो बेचारा डिजर्व करता था वो तो फंस गया। जब DPC 3 महीने बाद होगी तो उस बेचारे का क्या कसूर। तो ये भारी जो कमी पाई गई है हेड ऑफिस द्वारा, तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने निर्णय लिया कि 15 फरवरी से पहले पहले अगर भ्रष्टता सूची को का नवीनीकरण किया जाता है और हमें उसकी सूची दी जाती है, प्रदान की जाती है, उसकी कॉपी प्रदान की जाती है संगठन को, तो ठीक है, नहीं तो 16 तारीख से हम गेट मीटिंगों का दौर 23 फरवरी 2023 तक करेंगे। 23 फरवरी से के बाद भी अगर ना माने तो 15 दिन के बाद 23 फरवरी के 15 दिन बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन से भी ना माने तो संगठन को चाहे कोई भी कड़ा निर्णय ले, इवन देम अगर HRTC को बंद करने का भी निर्णय लेना पड़े तो हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।